कराची के इलाके किमाड़ी में दूल्हे की गाड़ी पर फायरिंग, गोली गोद में बैठे हुए बच्चे के आर पार हो गई, दूल्हा भी जख्मी, घर वालों ने लड़की की कजन पर शुबा जाहिर कर दिया। इस जगह से निकल कर उस दूल्हे के लगी है, क्योंकि दूल्हे की गोद में ये लड़का बैठा हुआ था जिसने फायर किया, शाहिद नाम है उसका, चचा का बेटा अपने दुल्हन के, उसी पे शक किया जाए। सबसे ज़्यादा डाउटफुल वही ही बंदा है, शायद उससे कोई शादी की बात या मंगनी कोई तय हुई थी उसकी। खैरपुर कौमी शाहरा पर कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 3 खवातीन जां बहक हो गईं, 1 शख्स जख्मी। पंजाब में धुंध, मोटरवे M2, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम और M4 पिंडी भटिया से शाम कोट तक बंद। मांगा मंडी, फूलनगर, पत्तों की, उकाड़ा, साहिवाल में हद निगाह 30 मीटर रह गई। लाहौर एयरपोर्ट से परवाजें ताखीर का शिकार। मुल्क में कोरोना से मजीद 31 मरीजों की जान चली गई। 24 घंटे में 1404 नए केसेस रिपोर्ट, एक्टिव केसेस 25635 हो गए। अमरीकी सेनेट में साबिक सदर के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई मुस्तरद, डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम करार नहीं दिया जा सका। 57 अरकान ने मुजरिम करार देने के हक में और 43 ने मुखालफत में वोट दिए। ट्रंप पर हामियों को पार्लियामेंट पर हमले के लिए उकसाने का इल्जाम था। और सहरा में रफ्तार का बादशाह कौन होगा? 16वीं चुलिस्तान जीप रैली का फैसला कुन मरहला आ गया। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के फाइनल में सबसे पहले साहबजादा सुल्तान की गाड़ी ट्रैक पर आ गई।